तो हेलो गाइज, वेलकम टू एमजे। स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे गाजर लेके बैठी हूँ। सोच रही हूँ गाजर का हलवा बनाने का, तो सोचा उसको घिस के पहले रख लूँ, तो जब टाइम मिला तब बना दूँगी, आज नहीं तो कल। लेकिन सबसे बड़ा काम होता है उसको ग्रेट करना, तो वही कर रही हूँ। तो सोचा मैंने बात करूँ, और बिना चाय के मिलूँ ऐसा हो नहीं सकता है, तो चाय भी लेके बैठी हूँ। और आज सोच रही हूँ कुछ रील्स के वीडियो बनाने के, तो सोचा पहले आप लोग से बात करो, उसके बाद रेडी होंगी और रील्स के वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे चलो मैं गाजर छील लूँ। आज पिछली बार कम पड़ गए थे, तो आज मैं 2 किलो गाजर लेके आई हूँ छील के इसको हलवा बनाने के लिए। अब देखो आज बनाऊंगी या कल, लेकिन आज सबसे बड़ा काम है उसको ग्रेट करके रखना, जो मैं कर रही हूँ। तो आप लोग से मैं मिलती हूँ ग्रेट करने के बाद। ओके, हलवा खाने में तो क्या मज़ेदार होता है, बट बनाने के टाइम पे जो होता है, ये देखो अभी इतना कर लिया मैंने, अभी इतना बाकी है और मेरा हाथ दुखने लगा इतना तेज। अभी मैं बाद में करूँगी थोड़े टाइम बाद, तब तक क्या करना है, कुछ तो करना है ना। तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा कुछ खाऊँगी, भूख लग गई करते करते खाऊँ, उसके बाद फिर मैं रील्स बनाने के लिए रेडी होंगी। फिर मैं रील्स के वीडियो बना रही थी, इसलिए मैं रेडी हुई थी। बीच में इसको छोड़ के कि हाथ दुखने लगा मैं छोड़ जान दे, फिर मैंने खाना खाया, चाय वाय पिया और सुबह से शाम हो गई, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लास्ट में मैंने वीडियो बनाई और फिर अभी देखो सुबह से शाम हो गई है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे का ऐसे ही रखा है। अब आज हलवा नहीं बनेगा, कल ही बनेगा। और ये एंजल देखो बार बार परेशान कर रही है कि वीडियो में अपना अकेले बना रही हो। ये देखो एंजल, आज मम्मी कैसी लग रही है? अच्छी। बोलती आप कहीं घूमने जा रही हो इसलिए तैयार हुई हो, तो मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए तैयार हुई हूँ, घूमने नहीं जा रही हूँ। तैयार हुआ यानी इसको लगा मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, तो वही आके इधर मेरे को पकड़ के बैठ गई है कि आप घूमने जा रही हो, वीडियो नहीं बना रही है। मैंने कहा देखो मैं अभी वीडियो बनाती हूँ, तो अभी बना रही हूँ, तो शांति से बैठ गई। तो वही मेरा गाजर का हलवा आज नहीं बनने वाला है, क्योंकि अभी तक वो छीला ही नहीं। वीडियो बनाने में आज बहुत ज़्यादा बिजी हुई, रोज़ इतना रेडी तो होती नहीं हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ। आज हो गई तो बना दिए, एक साथ 5-6, 4-5 शायद। अब शाम का टाइम हो गया है, एंजल को ट्यूशन भेजना है, तो मैं एंजल को ट्यूशन भेजती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। इसका नंबर कब आएगा पता नहीं, एंजल को अभी ट्यूशन भेजना है। एंजल चलो ट्यूशन चलो। एंजल अभी देखो रेडी हो गई है ट्यूशन के लिए, एंजल मेरी ट्यूशन जाएगी। चलो टाटा, चलो मैं इसको ट्यूशन छोड़ के आऊँ, चलो मैं इसको ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, फिर इसको फाइनली ख़त्म करूँ और फिर इसको भी चेंज करूँ। एंजल गई ट्यूशन, अब मैं फाइनली इसको हटाऊं मेकअप को और इसको ख़त्म करूं, नहीं तो ये फिर ख़राब हो जाएगा ऐसे पड़े पड़े। ये सब करने के बाद आज साड़ी में ही रहती हूं, बाद में ये सब करूं, उसके बाद देखो रात को खाना क्या बनाना है, और फिर बाद में इसको भी चेंज करूं। तो ये सब मैं कर लेती हूं, उसके बाद आप लोग से मिलती हूं। फाइनली पूरा दिन निकला और मेरा अब जाके गाजर हुआ। अभी हलवा कल ही बनेगा, आज तो नहीं बनेगा। अभी मैं रात के खाने की तैयारी करने जा रही हूँ, एंजल के आने का टाइम भी हो गया ट्यूशन से, और मैं रात को बना रही हूँ पालक वाली दाल, यानी सपेता, गांव में इसको सपेता बोलते हैं, यूपी में ऐसे आप नॉर्मली इसको पालक वाली दाल बोल सकते हो। ये तुअर की दाल में बना सकते हो, चने की दाल में बना सकते हो, मिक्स दाल में बना सकते हो। तो मैं ये बनाने वाली हूँ तुअर की दाल में, तैयारी कर लो सब। इसको नॉर्मली जैसे दाल बनती है ना वैसे ही बनाना है, कुछ नहीं करना है, दाल धो के रखना है, उसके अंदर पालक कट करके डाल देने, मसाले डाल देने के और सीटी बजा देने, फिर सीटी बज जाएगा तो उसमें लहसुन मिर्ची कट करके उसको फ्राई कर देंगे, बन गया दाल। इसमें आप रोटी से भी खा सकते हो, यानी एक तरह से सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर चावल से खाने में भी अच्छा लगता है। तो मैं अब ये इसको कट कर लेती हूँ,
फिर बना बना लूँ, फिर बाद में आप लोग से मिलती हूँ। और जैसे ही लेट हो रहा था, देखो शाम हो गई, तो मैं चेंज वेंज भी कर ली और एंजल के आने का टाइम भी हो रहा है, तो मैं फटाफट इसको कट कर लेती हूँ, फिर बाद में बना बना के आपको फिर बाद में मिलती हूँ। तो सारा काम ख़त्म हो गया है, सबने खाना खा लिया है, मैं खाने बैठती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने बनाई है दाल वाली, यानी पालक वाली दाल, ये देखो जो मैं राइस के साथ खा रही हूँ। रोटी से भी खा सकते हैं, एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना, पालक वाली दाल बहुत अच्छी लगती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो मैं खा लेती हूँ, आप लोग से मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट भी कीजिए कि मेरे चैनल आपको कैसा लगता है, मेरे चैनल की मेरे वीडियोस। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर।